ये तो आई है लड़की पहले आई है बेटे। मैं पागल पीर की, मैं पागल पंडू की, मैं गंगे माई की, मैं बाबू गुरु की, मैं पंजो राम। पर साथ में इसके मगर छह जने और खड़े हैं। वही इनको बंद कर रहा था। कम से कम 8 महीने हो गए, प्रॉपर सही नहीं चल रहा इसका काम। कितना भी ये काम करता है इसका, मतलब तो इसके ऊपर भी मुस्लिम प्रे छोड़ रखा किसी ने, अंदर में लगा देते। हाँ चलो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बता भाई क्या नाम है तेरा? रोहित है, और पत्र का नाम दिव्यांशु है। रोहित काम करते हो तुम तो फिर? हाँ जी काम करते हो। ये तुझे हुआ है? नहीं, और ऐसा था, मैं इस लाइन को बिल्कुल भी नहीं जानता था। बिरादरी से पंजाबी है। हाँ मैं अचानक से जमुना जी पार नहीं कर पाता था, खेलता था अचानक से, और ये हरकत होती। पहले घर में परिवार में कोई करता था ये काम? घर में नहीं। तो फिर ये हरकत होने लगी तब? ये वाली हरकत मेरे साथ में हुई थी आई थिंक। तो तूने काम किया है कुछ दिन? 7-8 साल था ये, 3-4 साल 5 साल से। तो ये चीजें तो तेरी मलिन करके बांध दी और तेरे ऊपर पेच छोड़ दिया किसी, इसलिए 8 महीने से प्रॉपर नहीं आ रही है। एक्चुअली क्या, मैंने किसी को ना किसी के पास के अंदर उतारे करवाए अपने से। किसी का प्रेत है, किसी से भक्तों में गया, उनने जो जो अपनी किरणें बताई उसने वो करा। मेरी तबियत ठीक होने की बजाय ना और डाउन हो रही थी। जमुना जी मैं पार नहीं कर पड़ता, जमुना जी पे चीज जो भी है मतलब प्रबल हो जाती थी। सर प्लीज वीडियो बनाओ। उसके बाद के अंदर उन्होंने जो करवाई, फिर हमारे पे गुरु जी हैं तो मैं उनके पास गया। तो उनके गुरु जी के पास गए, उन्होंने भी करा जो भी करना था, ठीक का नहीं हुआ। फिर एक दिन अपने आप क्या चीज़ खेली क्या नहीं खेली पता नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी, क्या है क्या नहीं। अब वहाँ पे ऐसा हमारा, हम बैठते वाल्मीकि समाज के, तो वहाँ पे चेक करा कि भाई उन्होंने वहाँ पे काल का है, काल उन्होंने चेक करा, उन्होंने काल का ही खेल रही है, तो खेल तो वही रही है। तो उन्होंने ये वाली बात बोली। अब वो राजी होनी थी, पता नहीं क्या वजह राजी थी। फिर गुरु जी का फिर मैंने हाथ पला रखवाया, उन्होंने गुरु जी ने दो चीज़ें अपनी तरफ से दी, परमाता मछाणी और काली हमारी घटती है। और ये नहीं समझ आता जो मरगट वाली है, मरगट की काल का है, ये कहाँ से आई है ये नहीं पता चल रहा आज तक। क्योंकि हमारे कुजंत्र तो है नहीं, क्योंकि ये छोटी तो देवी है नहीं। देखो भाई एक साथ ये 7 चीज़ें हैं, जैसे कि काली है, शीतला माता बिल्कुल सही बता रहा, सबन सिंह पोन भी है, तो और भी भैरवनाथ भी है, ये करते करते कुल मिला के 6-7 जने हैं। तो इसका क्या सिस्टम है? ये पूजा पाठ करता है ठीक है, पर इसके ऊपर भैया किसी ने मुस्लिम प्रेत लगा हुआ या किसी ने उतारा करा इसका, इसने किसी को ठीक करने की कोशिश करी है? पिछले 8 महीने से ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जैसे कि शरीर में वीकनेस आती है, आँखों में भारीपन महसूस रहता है, बैक पेन में दर्द होता है, तो ऐसा लगता है पैरों में जकड़न है। जब इन चीज़ों को याद करता है बिल्कुल पास नहीं आती बिल्कुल भी, नाम ले लेके रह जाता है, कहते हैं ठीक नहीं होता बिल्कुल भी। क्यों? अभी ये बिल्कुल नहीं आ रही थी काफ़ी टाइम से, वो भी मैंने प्रार्थना करके बुलाई है तेरी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी टाइम तो आई नहीं, तरंग आई है, तरंग से धीरे धीरे खेले, अभी प्रॉपर साफ नहीं है, मली नई चीज़ें हैं अच्छे में। अगर इन चीज़ों को सोचेगा समझेगा ध्यान करेगा तो बहुत बढ़िया काम करेगा। उसका एक तत्व तेरे पास है ठीक है, ऐसे तो देवी देवताओं की कितनी सिद्धियां कितनों के पास है। एक ही टाइम में हनुमान जी आधे भारत में आते हैं, आगे समझ में, एक ही टाइम में मरकट काली पता नहीं कितने लाख लोगों में खेल रही है, लेकिन ये सब उसकी क्या सिद्धि है? ये सब उसकी सामान्य सिद्धियाँ, सामान्य विद्या और सामान्य तत्व है। इसके आगे समझ में, पूर्ण तत्व नहीं होता भाई, इसके पास दो है। कहने का मतलब एक तो नॉर्मल जैसे जो कलकत्ते वाली काली मान सकते हो या दिल्ली वाली काल का, उसके साथ साथ जो सी मरगट की काली है शरीर पे नहीं आती, तो इसका काम करती है वो इसे अट्रैक्शन से भक्तों के पास जा जाके कुदरती वो चीज़ इसके पास अपने आप आ गई है, या किसी के गुरु का हाथ रखा हुआ इसी करके, या उसी किसी के पास होगी भाई, किसी के पास होगी, उसको छोड़ के तेरे पास आ गई, कौन सी बड़ी बात है? आपकी कमाई सिद्धि नहीं है भाई तेरी,
एक हो ना आपने कमाई है, तप करा है, जैसे शमशान घाट में बैठा है, पूजा करी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब किसी और की शक्ति है ये, मतलब ये माता मशानी हो गई इनके। तो घर मैंने जो भी सेवा जो भी करते हैं हमारे घर के अंदर वो तो कर रखी है, काले भाई के पत्र छोड़ते हैं वो कर रखते हैं, मतलब ये काम तो कर रखा हो। चलो ठीक कर, आज ही आपको ठीक कर देंगे, ठीक है, हमारी चिंता चली जाएगी, आज ही जो प्रेत है तेरा वो कट जाएगा। यहाँ बैठ, आठ क्रिया करा अपनी, आठ क्रिया के बाद जैसे सारी मलिनता खत्म करके उसके बाद शाम को मैं तेरे को ठीक करके भेजूंगा, ठीक है।